व्हाट आर कोर ब्रांचेस, ये कोर ब्रांचेस का है भाई, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, ये होती है कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस यानी कि वो ब्रांचेस जिनके अंदर प्लेसमेंट इन्हीं के काम की लगती है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ रिलेटेड आपका काम भी होगा अगर आप इनकी इंडस्ट्री में जाते हैं तो। सारी बात एक तरफ प्लेसमेंट की बात करेंगे और इनके स्कोप की बात करेंगे। स्कोप है, बहुत सारी कंपनी, महिंद्रा, टोयोटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कंपनीज हायर करती हैं इन कोर ब्रांचेस से, लेकिन बहुत कम हायर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी, पहली बात तो बहुत कम है इन कोर ब्रांचेस की, अगर ज़्यादा हैं तो पैकेज इतना कम दे रही हैं। अगर मैं बात करूँ महिंद्रा टोयोटा वगैरह की, तो ये भी कुछ कुछ तगड़ा पैकेज नहीं दे रही, वही 9-10 मैक्स, 9-10 लाख के आसपास तो मैक्स है। और एक किनको जा रहा है, 10, 11, 12, 13, 14 भी किनको जा रहा है, वो जा रहा है हमारे IIT में से मैकेनिकल इंजीनियर वो हायर करेंगी, ना कि IPU के अखिलेश दास कॉलेज से वो मैकेनिकल इंजीनियर हायर करेंगी। तो कोर ब्रांचेज में बच्चे करते क्या है, यहाँ के मैक्सिमम बच्चे या तो अपग्रेडेशन के भरोसे होते हैं या फिर वो टेक कंपनीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। हमारा IES ऑफिसर का होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, IAS, UPSC, CSC जो है हमारा, ठीक है, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसके लिए IAS, IPS, IRS ये सब बनते हैं, ठीक है, इनकी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। और ऐसा नहीं, अखिलेश दास में से एक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे ने उखाड़ा भी एग्जाम, सिविल था मैकेनिकल था ये मुझे कंफर्म नहीं, UPSC में कुछ उसकी 250 के आसपास या 350 के आसपास उसकी रैंक भी आई है। तो देखिए, माहौल होता है पढ़ने वाला, लेकिन अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हैं कि बहुत कुछ तगड़ी प्लेसमेंट लग जाएगी वो ब्रांच के बेसिस पे, नहीं, सिलेबस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बच्चों के कंपैरिजन में और ब्रांचेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी होगा, हैवी फिजिक्स, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, DTU NSUT की कोर ब्रांचेस जितना हैवी नहीं होता, फिर भी IPU का। तो ये पूरा का पूरा कोर ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी और ज़्यादा कूल स्टफ़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो कर लो जाके, Gargash909 इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, लिंक्डइन वगैरह पे आपको मैं मिल जाऊंगा, हर जगह कनेक्ट होते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।